السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب ولو أأسلمتم اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ये सुर आमरान की तीसरे पारे में सुर इमरान की आयत नंबर बीस गुज्त एतवार कुछ बयान किया लेकिन फिर वो शादी का मसला था तो इस वजह से छोड़ दिया तो वहीं से शुरू करते हैं अल्लाह तबारक़ा कुरान पाक में इशात फरमाता है आयत नंबर बीस में अगर ए महबूब ये कुफ़ार ये यहूद नसारा आपसे अगर हजत करें कट करें बहुत से लोग होते हैं किसी बहस में पढ़ते हैं तो अगरचे हम यानी सामने वाला हक पर हो लेकिन वो अड़ जाते हैं अपनी बात पर अड़ जाते हैं नहीं ऐसा ही भाई जो सही है वो ठीक है जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत लेकिन फिर भी कुछ लोग कटहजत ही करते हैं ऊपर जो आयत करीमा गुजरी थी अल्लाह ने फरमाइनत दीन हिंदा इस्लाम इस्लाम ही अल्लाह के नज़दीक महबूब व पसंदीदा दीन तो यहूद नसारा ने कहा कि हाँ तो सही है हम भी तो मुसलमान ही है हमारा दीन भी इस्लाम हम भी मुसलमान ही हैं बस ये कि ये नाम यहूदी नसरानी ये तो नसब के नाम हैं ही नाम है तो आ, हमारे दरमियान तो कोई झगड़ा ही नहीं है हम तो सब एक ही है। हम हैं हम भी मुसलमान हैं हम भी इस्लाम दीन को मानने वाले लोग तो अल्लाह के रसूल तो ने इशात फरमाया कि अच्छा तुम भी मुसलमान हो तो फिर ये बताओ कि क्या यहूदियों से पूछा कि तुम हज़रत ईसा को नबी और रसूल मानते हो उन्होंने कहा नहीं 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 नबी कैसे हो सकता है वो नबी नहीं हो सकता हम उसको नहीं मानते सरकार ने फरमाया यही तो फ़र्क है इस्लाम सारे अम्बिया मुरसलीन पर ईमान लाने की बात करता है और तुम एक को छोड़ दो तो फिर इस्लाम नहीं एक को भी छोड़ा नबियों और रसूलों में से किसी एक को छोड़ दो तुम्हारी जाती दुश्मनी की वजह से नहीं मैं उसको नहीं मानता एक को नहीं मानता गोया सबको नहीं मानता मान इसलिए कि हमने जो हमारा जो ईमान है हमने सुर बकरा में पढ़ा और हम कहते हैं ला न फ़रकुबीना अहदम रसूली अल्लाह के रसूलों में से किसी के बीच भी हम फ़र्क नहीं करते उसके सारे नबी और रसूल सब बराबर सारे नबी और रसूल नबूत और रिसालत में सब बराबर सब पर ईमान लाना ज़रूरी हमें उनके नाम पता हो या न पता हो हम उन्हें जानते हो या ना जानते हो बस ये है कि अल्लाह ने जितने हम भेजे हैं सब पर हमारा ईमान है सब पर हमारा ईमान है Yup. अब अगर किसी ज... यानी आप जिनको जानते हैं उनमें से किसी एक का इनकार कर दो हत आदम का इनकार कर दो हत नूह का हत शीस का हत इदरीस का या हरत इब्राहिम हत इसहा हत अब मिसाल के तौर पर हमारे अम्बियाए क्राम यानी कि हमारी जो लिस्ट है जहाँ हमारे नबी जिस खानदान में पैदा हुए वो हत इस्माइल का ख़ानदान हत इस्माइल के ख़ानदान में हुजूर पैदा हुए इस खानदान में हत इस्माइल और हुजूर के बीच में कोई नबी नहीं और हत इसहाक का जो हत इस्माइल के छोटे भाई हैं हत इसहाक उनके ख़ानदान में अम्बिया की लिस्ट लंबी लिस्ट है हज़ारों एक दो चार पाँच सौ नहीं हज़ारों हैं सत्तर हज़ार लाख तो उसी लाइन में हैं इतने अम्बिया इक्राम यानी हज़ारों हत इसहाक की औलाद में पैदा हुए अब हम कहेंगे नहीं हम तो इस्माइल इसम को मानेंगे इसहाक को नहीं मानेंगे तो फिर तुम किसी को नहीं मानोगे सब गए काम से तो हत ईसा को तुम नबी और रसूल मानते हो कह नहीं उसको तो तो वो नबी और रसूल नहीं हम नहीं मानते का फिर तुम मुसलमान नहीं हो सकते इसी तरह से ईसाइयों से कहा तुम हत ईसा को अपने नबी को नबी और रसूल मानते हो वो अल्लाह के बंदे थे कहने अल्लाह के बंदे कैसे वो तो अल्लाह के, तो तो के बेटे थे का फिर तुम मुसलमान नहीं इसलिए कि इस्लाम ये कहता कि ईसा इब्न मरियम वो अगरचे बग़ैर बाप के पैदा हुए ये अल्लाह की कुदरत है अल्लाह की कुदरत के बग़ैर बाप के पैदा हुए लेकिन इसमें क्या कमाल है माँ से तो पैदा हुए इसमें क्या कमाल है कि बगैर बाप के पैदा हुए अल्लाह ने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया है अल्लाह ने हज़रत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया और हजरत हवा वो हैं कि जो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुई है। हरत हवा के भी माँ बाप नहीं है हरत आदम के भी माँ बाप नहीं है तो हरत ईसा हतिसम अगर बग़ैर बाप के पैदा हो जाएँ तो ये कोई कमाल की बात नहीं तो कहने की बात अब हरत आदम को अल्लाह का बेटा नहीं कहते कोई नहीं कहता कि आदम असलाम अल्लाह के बेटे हरत हवा अल्लाह की बेटी कोई नहीं कहता लेकिन हरत ईसा को ईसाई अल्लाह का बेटा मासी कहते हैं हालाँकि अल्लाह तारा फरमाता सुबह नूँ अम्मा युशरिकुन या सुबह रहूँ अम्मा यु सिफुन वह जो कुछ कहते हैं अल्लाह के बारे में अल्लाह उससे पाक है वो जिसे अल्लाह के साथ शरीक करते हैं अल्लाह उससे पाक है तो जब ये पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से फैंड है जो महबूब अगर ये आपसे कठहजती करें आ दलीलों यानी दलील दे रहे हैं अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी और इनकी तौर तिन इन झील में भी आपकी हकानियत हाँ, हो चुकी फिर भी ये बहसें करते हैं तो ए है महबूब अब आपका क्या क्या अगर ये आपसे हुज्जत करें फ़कुल तो ए महबूब आप फरमा दें ये जो टॉपिक है ना ये हमारे लिए भी काम का है अगर कोई जाहिल हमसे बहस करे ना हमको पता है कि इसकी समझ में कुछ आने वाला है नहीं हम इसको कितना भी समझा लें ये समझने वाला नहीं तो फिर हमारा काम यह है असलम तो वजह बह हमने तो मान लिया तुझे मानना हो तो मान नहीं मानना तेरी मर्जी की बात चल जा तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते ये बात है तो अल्लाह फरमाता है कि फ़कुल तो महबूबा फरमा दें इन लोगों से असलम तो वजह मैंने अपनी ज़ात को अल्लाह के हवाले कर दिया वैसे वज़ वज्ञ, यहाँ वज ही है ना असलम तो मैंने सुपुर्द कर दिया वजह मेरे वजह को अब ये वज का माना जात भी होता है पूरी बॉडी पूरी जात वज का माना चेहरा भी होता है वजह का माना जो है अमल भी होता है और वजह का माना मुतवज्जा होना भी होता है तो अब कई माने मैंने अपनी सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दी ये भी कर सकते हैं मैंने अपना सारा अमल अल्लाह के लिए कर दिया मेरे सारे काम काज सारे हरकत व सकनात उठना बैठना खाना पीना मेरी सारी ज़िंदगी मेरे सारे काम अल्लाह के लिए ये भी है मेरी ज़ात अल्लाह के लिए इस ज़ात से जो कुछ होता है सब अल्लाह के लिए है ये भी ठीक है तो कहते हैं कि ए फरमा फरमाद असलम तो वजही मैंने अपनी ज़ात अपने आप को अल्लाह के हवाले किया वह मनी तबाण और मेरे जितने पैरोकार हैं उन्होंने भी यही काम किया है अब यहाँ अल्लाह ने असलम तो अल्लाह का कलाम है अल्लाह ने असलम तो ये मैंने सुपुर्द किया वर्ड यू, यू यूज़ किया असलम तो और उसमें सहाबा इक्राम को भी शामिल कर लिया वो मनी तबाण और जितने मेरे पैरोकार हैं उन्होंने भी अपने आप, आप को अल्लाह के हवाले कर दिया तो मैंने और मेरी इतबा पैरवी में मेरे सहाबा ने तो यहां पर सहाबा इकराम का ईमान अल्लाह ने साबित फरमा दिया सहाबा इकराम के ईमान को साबित किया कि ये हुजूर के जो सहाबा हैं उनका ईमान भी साबित और वो कुरान से साबित है कि अल्लाह ने फरमाया कि ए आप फरमा दें मैं भी और मेरे पैरोकार भी मेरे मानने वाले भी और दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि फ़ैन आमनु है अगर ये लोग ईमान ले आए कैसा जैसा कि सहाबा लाए हैं ऐसा ईमान लाए जैसा कि साहबा ईमान लाए तो हिदायत पा जाएंगे तो ईमान की कसोटी का जो मैार है उसकी जो परख है ना वो जो कांटा तराजू का जो कांटा वो सहाबा इक्राम है अब आप साहबा इक्राम के अमाल को देखते जाएं और फिर देखें कि उनकी कसोटी पर कौन किसका ईमान खरा उतरता है वही पक्का मोमिन है वही मोमिन वरना तो फिर वह बंदा मोमिन नहीं तो अल्लाह ने एक मैार एक कसोटी और एक तराजू, एक मीज़ान दे दिया कि ये तुम्हारे ईमान का मैार हैं साहबा इक्राम इनके ईमान की तरह तुम्हारा ईमान होना चाहिए तो यहाँ पर जय अल्लाह ताला आगे फरमाते वक़ुल लदीन उतुल किताब और ए महबूब ये जो किताबी हैं जिन्हें किताब दी गई किसी को तौरेत दी गई किसी को इंजील दी गई तोरेत वाले यहूदी हैं इंजील वाले ईसाई हैं तो ए महबूब आप उनसे से फरमा दें वुल लदीन ए महबूब आप फरमा दीजिए लदीन उन लोगों से ऊतुल किताब जिन्हें किताब दी गई क्या वल उम्मीगीन और उम्मीयों से भी फरमा दें अब यह उम्मीदन उम्मी का मतलब होता अनपढ़ बेपढ़ा पढ़ा ना हो अब उम्मी हजूर भी हैं और उम्मी दूसरे भी होते हैं जो नहीं पढ़ा लिखा होता है जिसे हम अनपढ़ कहते हैं वो भी उम्मी और हुजूर भी हुजूर का लक़ब उम्मी है अल्लाह ने कुरान में फरमाया वन वर, वन नबीमी ये नबी उम्मी है है ना लेकिन दोनों में फ़र्क है दोनों में फ़र्क है उम्मी का असल माना होता है माँ वाला उम्मी उम माने माँ और उम्मी माने माँ वाला यानी कि जैसे पैदा हुआ था माँ से और कुछ नहीं जानता था वैसा ही अभी भी है दुनिया में आके भी पढ़ा लिखा नहीं तो जैसा पहले अनपढ़ था माँ के पेट से पैदा हुआ तो अनपढ़ था वैसे अभी भी अनपढ़ का अनपढ़ ही रहा कुछ ही उसने पढ़ा लिखा नहीं तो उसे अनपढ़ कहते तो अनपढ़ को उम्मी कहते हैं लेकिन हुजूर उम्मी हैं इस मान आकर इस एतबार से कि दुनिया में आकर आपने किसी से नहीं पढ़ा माँ के पेट से पैदा हुए वैसे ही है अल्लाह ने जैसा पढ़ाया वैसा ही पढ़ाया हुआ है अल्लाह ने यानी हुजूर को अल्लाह ने पढ़ाया ये नहीं कि अनपढ़ है बेपढ़े लिखे नहीं अल्लाह ने सारा इल्म अपने महबूब को अता फरमा दिया है है ना अब आप यानी क्यों कोई कह सकते हालांकि अल्लाह के रसूल ने कभी लिखा नहीं तो ये न लिखना आपने यानी कभी लिखा नहीं और लिखना जानते ही नहीं थे लिखना नहीं जानते हुजूर नहीं लिखना जानते तो इसमें तो ऐब है लिखना नहीं आता है हुजूर को लिखना नहीं आता कहते ये कमाल है हुजूर का कि हुजूर को लिखना नहीं आता कहते कमाल कैसे हुआ कहते हमको लिखना ना आए तो फिर ऐब है ए, कैसा बंदा इसको लिखना भी नहीं आता हुजूर को लिखना नहीं आता ये कमाल है क्यों कहते हैं इसलिए आपने किसी दुनियादार से लिखना सीखा नहीं लिखना आता नहीं फिर भी इतनी बड़ी किताब लिखवा दी है इतनी बड़ी हाँ अगर वैसे अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा आदमी अगर एक कोई किताब देखो मेरे पे आस, यानी आसमान से किताब नाजिल हुई तो आप कह सकते हैं बंदे ने हाँ, कॉपिया मारी है हाँ इसने खुद से लिखी ये जो ये जो था ना ग़ुलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो कहता था कि मुझ पर वही नाजिल होती है और टींची टींची फरिश्ते आते हैं उसके फरिश्ते हालांकि एक लाख चौबीस हज़ार कमोबेशम्बिया कराम आए अल्लाह ने फरमाया हर एक पर वही ले जाने वाले जब्रैल हैं जब्रैल के सिवा कोई नहीं आता वही लेकर हाँ कभी अल्लाह किसी को भेज दे है ना कभी हतम इकाईल इसराफिल को भी भेज दे अलग बात लेकिन वही इलाही तो हत जब्रैल उसके अमीन है वो काम ही उनका है वो काम ही वो डिपार्टमेंट ही उनका है वही किताब लाने वाले हत जब्रैल ये डिपार्टमेंट इनका हाँ कोई और बात पहुँचानी हो तो अल्लाह किसी और को भी भेज देता है कभी बारिश के फरिश्ते को भेज दे कभी हतम मिकाइल को भेज दे लेकिन ये डिपार्टमेंट हत जब्रैल का अब वो डिपार्टमेंट वाला आदमी छोड़ कर टीची, टीची फरिश्ता आता है है ना दुनिया में आज तक किसी ने नाम नहीं सुना वो फरिश्ता आता है और फिर वो जो यानी कि वही लेकर आता है वो क्या वही इंग्लिश में अंग्रेज़ी में वही नाजिल होती आई लव यू है ना आई लव यू आई लव आई विथ यू और आई यानी इस तरह की सब आ, वही नाजिल होती थी उस पर पता नहीं और जितनी भी वही हालांकि अभी ये टॉपिक नहीं है <laughs> लेकिन कभी आप जिस टॉपिक पर मेरा एक मेरी एक तकरीर भी है इस टॉपिक पर कभी आप सुने ऐसी ऐसी वही उस नाल पर नाजिल होती थी और अभी भी लोग मानने वाले हैं और उसे हज़रत अकदस और पता नहीं क्या क्या नहीं कहते हैं और उसके खलीफाओं को भी बहुत मानते बहुत मानते तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जितनी भी यानी हमारा क्या हम बयान करते ना कि हुजूर ने ऐसा फरमाया तो ऐसा ही हुआ ये जो फरमा देता था उसके अगेंस्ट होता था ये जो कह देता था उसके ख़िलाफ़ ही होता था एक दिन एक बंदा आया मेरी आँख एक आँख से काँा था बोले आँख में क्या हुआ क्या आँख की रोशनी चली गई है नज़र नहीं आता कहदरा मैं तुझे अच्छा कर देता हूँ उसने अपना थूक लगा दिया और दूसरी भी चली गई और <laughs> दूसरी भी चली गई तो ऐसा अब उसने यानी कि एक दिन जो है उसको एक बहुत कम उम्र की लड़की थी वो पसंद आ गई बड़ी खूबसूरत थी उसके रिश्ते ही में थी रिश्तेदार ही में बहुत खूबसूरत लड़की थी वो पसंद आ गई तो उसने कहा कि अब यानी उससे शादी कैसे करनी तो बहाना बनाया कि भाई मुझ पर वही नाजिल हुई अल्लाह ने फरमाया कि मेरा निकाह इससे होगा फ़ला लड़की से उससे मेरा निकाह होगा अब जो है उसके घर वाले ने हम तो नहीं करेंगे हम तो नहीं करेंगे वो लड़की के घर वाले हम तो नहीं करेंगे कहा कि नहीं उससे करना ही पड़ेगा अल्लाह का हुक्म है वो कह नहीं नहीं करेंगे उन्होंने दूसरी जगह रिश्ता कर दिया कहा कि ये दूसरी जगह जो शादी की ना उसका शोहर एक साल के अंदर अंदर मर जाएगा तो इसकी शादी भी हो गई वो फिर बूढ़े भी हुए वो औलादे भी हुई वो मरा मरा भी नहीं और ये मर गया ये मर गया लेकिन वो नहीं मरा तो ऐसे ऐसे इसकी पेशीन गोया हुआ करती थी ऐसी तो बहुत सी कॉमेडियाँ उसने की है लेकिन बहरहाल कहने की बात यह कि जो अल्लाह का कलाम ये अल्लाह के रसूल लिखते नहीं थे और आपको लिखना नहीं आता ये कमाल है कि आपने लिखना नहीं जाना लेकिन फिर भी आपने इतनी बड़ी किताब लिखवाई है लिखवाई साहबा से भाई लिखो हाँ ये नासिल हुआ है तो लिख दिया अच्छा फिर दुनिया घूमे नहीं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में किसी मदरसे में किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं पढ़ना आता नहीं लिखना आता नहीं किसी से पढ़े नहीं तो फिर कैसे पता फिर कैसे पता यहाँ बैठ कर कैसे पता गोली रोम ये कह रहे हैं सरकार कह रहे हैं गोली रोम फी अदन अर्द जमीन के सबसे नीचले इलाके में रोम मغلوب हो गया रोम हार गया रोम उस वक्त दो सुपर पावर थे एक ईरान और एक रोम रोम एम्पायर ये दो पा, सुपर पावर दोनों में जंग हो रही थी तो अब यहाँ मदीने में बैठ आप खबर दे रहे हैं गोली बतूम फी अदनल अर्द पूरे रुए ज़मीन रोए ज़मीन में सबसे जो निचला निचला इलाका हिस्सा है वहाँ उस मैदान में उस इलाके में रोम मगलूब हो गया हार गया है ना? और करीब फिर आगे वैसे गलबू। अनकरीब जो है ना चंद सालों में फिर रोम गालिब आएगा चंद सालों में रोम गालिब आएगा अब बकर सिद्दी ये आयत है अब ये देखें किसी से न टेलीफोनिक बात है न किसी से खबर सुनी ना न्यूज़पेपर में आया ना टीवी में देखा कुछ नहीं है मदीने में मस्जिद नबी में बैठे हैं कभी रोम देखा नहीं कभी ईरान देखा नहीं वह अदनल का इलाका कभी देखा नहीं लेकिन फरमा रहे गलब पता चला ये इनकी अपनी बात नहीं है यह अल्लाह का कलाम है अल्लाह का कलाम है है ना मरजल जल बहरा यल तैयान बिना बरज़ुलायब गान सरकार ने कभी वो दरिया नहीं देखा सरकार ने वो दरिया कभी नहीं देखा जहाँ वो दो पानी मिलते हैं अलग अलग रंग के आज कल तो वीडियो यूट्यूब पर घूमते हैं है ना तो ये दो पानी मिल रहे हैं एक ब्लू कलर का पानी एक येलो कलर का पानी लेकिन दोनों आपस में यूँ ऐसे मैचअप नहीं हो जाते ऐसे के ऐसे दोनों अलग नज़र आते हैं कि हाँ ये है रब ने फरमाया मराज़ल बहराइन दो समंदर मिले दो समंदर मिले मोरा जल बहरा <coughs> सुर रहमान में फरमाता है मराज़ल बहरॅन यल तान बई नहुआ बरज़ुन इन दोनों के दरमियान एक बरज़ख है एक रुकावट है रब फरमाता है दोनों के दरमियान एक रुकावट अल्लाह के रसूल ने कभी वहाँ का सफ़र नहीं किया कभी वह समंदर देखा नहीं कभी नहीं गए लेकिन मदीने में बैठ कर ये खबर दे रहे हैं तो कुफार को भी मानना पड़ा कि वाकई वो सच्चे नबी और रसूल हैं सच्चे नबी और रसूल तो कहने की बात ये अल्लाह का कलाम था ना लिखना आना ये कमाल था रसूल का ये वरना अगर लिखना आता तो भाई हो सकता था कोई कह देता भाई बैठ कर ऐसे ही लिखते गए लिखते गए एक नोट तैयार किया और दे दी कि भाई ये किताब ना नहीं इनको आता ही नहीं आता नहीं है लेकिन फिर ये हाल है कि इतनी बड़ी किताब दे दी है सबा इकराम के जरिए <laughs> लेकिन अब बात यह है कि अल्लाह तबारक तारा ने अपने महबूब को उम्मी उम्मी बनाया किसी का मोहताज नहीं किसी से पढ़ा नहीं दुनिया में लेकिन अल्लाह ने खुद पढ़ाया है तो हम हुजूर को अनपढ़ उम्मी का माना अनपढ़ नहीं उम्मी का माना यह है कि दुनिया में किसी से पढ़े हुए नहीं हैं दुनिया में किसी से पढ़े हुए नहीं अल्लाह के पढ़ाए हुए इसलिए अल्लाह ने फरमाया वो का मालम तकुन तालमन ए महबूब हमने आपको सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे और रमानल कुरान रहमान ने कुरान सिखाया है रहमान ने सिखाया तो ये आ, सारी बातें इस बात पर दलील है कि ये अल्लाह का कलाम है सच्चा कलाम ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं और वो तो बड़ा मशहूर वाक़ है कि सुन इन्ना आते नहीं ये जो चैलेंज की बातें चल रही थी कुफ़ार मक् से जब अभी मक्ा ही में है तो भाई कुरान जितना नाजिल हुआ अभी तो पूरा कुरानी नाजिल नहीं हुआ था। चंद सूरतें नाजिल हुई कभी जितना कुरान नाजिल हुआ उसका मुकाबला करो उसके जैसा ले आओ नहीं ला सके क्या दस छोटी छोटी सूरतें उसके दस ले आओ वो भी नहीं ला सके तो फरमाया कि ठीक है एक छोटी सी सूरत अब वो छोटी सी सूरत लिख कर लट, लटका दी गई कहाँ खाने कहबा के गिलाफ पर खाने कहाबा पर लटका दी गई भाई ये चैलेंज है लाओ इसके जैसी एक सूरत छोटी सी बना लाओ वो थी इन्ना आते न कल को सर कौसर छोटी सी सूरत लटका दी गई अब सब आकर पढ़ते हैं आते न कल कहो सर फसलिल रबी कोन है शानिया का हो सर इसका मुकाबला करना है इसका ये चैलेंज है मुकाबला करना है इस अगर तुम में इतना पावर है ना तो इस जैसा कुछ कलाम बना कर लाओ अब वो सब सर कितने कागज़ फाड़े हैं उन्होंने ऐसा हम लिखते हैं नहीं नहीं बराबर नहीं। बराबर नहीं हुआ कितने चमड़े बर्बाद किए कितनी लकड़ियाँ बर्बाद की लेकिन नहीं बना सके एक बुढ़ा आया उसी टाइम में उसी पीरियड में सब खुश अहल मक्का खुश अरे यार बहुत परफेक्ट टाइम पर आए हो बहुत परफेक्ट टाइम का क्या हुआ कहा यार तुम्हारे जैसा खतीब अरबी में तकरीर करने वाला आज तक हमने कोई नहीं देखा तुम्हारे जैसी फसी और बलीक ज़बान किसी की नहीं तुम्हारे जैसी अरबी किसी को आती नहीं तुम तो बड़े ज़बरदस्त यानी अदीब हो यानी जिससे हम गुजराती में साहित्यकार कह लें तो बड़े अदीब हों तो तुम जो है ना तुम्हें एक चैलेंज पूरा करना भाई है। क्या है? कब वो खाने काबा पर लगाया मुसलमानों ने यो कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है तो जरा जाकर इसके बरा इससे जैसा कलाम है ना हमको बनाना है ठीक है चलो ले जाओ मुझे तो उसे पकड़ कर ले गए खाने क्या बाकी वो उसने वो पढ़ा लिखा हुआ था इन आते नकल का सर फसल लिर्ब, फसल रबे का बना इन नानिये का हो रफतर उसने आगे लाओ लो ला, ला, कलम लाओ अभी मैं लिखता हूँ लाओ कलम वो कलम और सियाही लाई गई उसने डुबाई और लिखा हादा लई सलाम्बर हाजा लई कलाम कहते उसने लिखा ये अब सब पढ़े उसने कुछ जवाब दिया कुछ जवाब दिया जाकर पढ़ पढ़े मतलब यह कि यह किसी इंसान का काम नहीं है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है हाँ मेरे जैसा बंदा समझ गया कि यह किसी इंसान का क्राम नहीं है तो कहने की बात यह कि अल्लाह का क्राम अल्लाह ने अपने उम्मी नबी पर नाजिल फरमाया लेकिन यहां उम्मी से मुराद अनपढ़ लोग हैं अनपढ़ लोग के जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता तो अरब के लोग और मदीने में भी ज़्यादातर लोग वो थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता लिख था ज़्यादातर ऐसे जिनको पढ़ना लिखे इसलिए कि उनका काम क्या पैदा हुए थोड़े से बड़े हुए तो बस वो घूमना फिरना धमाल मस्तियाँ करना मार पीट कुटाई ये सब आवारा गिरदी करना ये इनका काम था थोड़े से बड़े होते जवान होते तो बस ये कि अयाशियाँ कर रहे हैं शराब पी रहे हैं और बस ये सारे काम इनके तो इसलिए इनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं कोई सीधा साधा बच्चा होता और थोड़ा सा कोई उसका बाप तवज्जो दे देता बेटा पढ़ ले तो कोई पढ़ लेता वरना तो कोई नहीं पढ़ता लिखता था जो किसी को आता ही नहीं था ज़्यादा और बाप जाहिल वो कहता है तो तुझे क्या करना है कारोबार ही तो करना है बिज़नेस करना है तो उसमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हाँ अगर थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना होगा तो हम किसी से करवा लेंगे अपने को पढ़ना लिखना नहीं वो ये यानी इनका एक तस्वुरा एक सोच थी बहरहाल तो रब फरमाता है कि अहले किताब जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी फरमा दीजिए वल उम्मीद जो अनपढ़ हैं उनसे भी फरमा दीजिए असलम तुम क्या तुम ईमान लाए क्या तुमने इस्लाम कबूल किया मेरी तात में मैंने किया है मैंने अपना सबको मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया मेरे पैरोकारों ने पैरोकारों ने किया क्या तुम करते हो तुमने अपना सर झुकाया रब के सामने क्या तुम इस्लाम कबूल करते हो फ़ैन फ़िन असलम फ़कदो अगर वो कबूल कर ले इस्लाम ले आए तब तो फिर हिदायत पा गए नजात का रास्ता मिल गया जन्नत मिल गई व इन तवल और अगर ये मुंह फेर ले नहीं नहीं हम तो जैसा कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ईसा तो कैसे नबी हो सकते हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं ईसा तो अल्लाह के आ, बंदे कैसे हो सकते बेटे हैं? तो क्या फ़ैन तवल महबूब अगर वो मुँह फेर ले फ़िन न बलाग तो महबूब आप पर तो पहुँचाना ही तो है आप पर पहुंचाना ही तो आप क्यों टेंशन लेते हैं आपको गमगी नहीं होना असल में ये सरकार बड़े टेंश टेंस होते थे बहुत गम करते थे उम्मत का गम यानी कि फ़िक्र लाइक होती थी कि यार क्या करेंगे आजकल भी लोगों को फिक्र होती है जो बड़े हमारे होते हैं तो बड़ों को फिक्र होती है कि यार हमारी नस्लें कैसी बर्बाद हो रही है इनका क्या होगा ये बाहर रखड़पट्टी करते रहते हैं न कभी नमाज़ पढ़ना न दीन से कोई लेना देना ना इनको कुछ आता जाता है ये यानी क्या करेंगे इनका क्या होगा हमारी नस्लों का क्या होगा तो जो हमारे बड़े उनको बड़ा टेंशन होता है कि यार इनका क्या होगा या कुछ करो कुछ करो कुछ इसलह होनी चाहिए कुछ सुधार होना चाहिए तो हुजूर को भी बड़ा टेंशन बड़ा गम होता था कि इनका क्या होगा ये सब जहन्नम में जाएंगे अच्छा अभी तो यानी बस ये कि इनका फ्यूचर क्या होगा लोग ये सोचते हैं ना लेकिन हुजूर को तो वो टेंशन था कि ये सब जहन्नम में जाएंगे हुजूर की निगाहों में तो जहन्नम थी कि जहन्नम के शोलों में जाएंगे जलेंगे हमेशा हमेशा के लिए ये भी नहीं कि थोड़ी देर के लिए हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे अगर ईमान नहीं लाए तो यही हाल इनका होना है तो ये हमेशा जहन्नम में जलेंगे मैं चाहता हूँ कि ये सब बच जाएँ ये सब जन्नत में मेरे साथ चले आएँ ये सब जन्नत में मेरे साथ चले आएँ ये हुजूर की फिक्र है आप चाहते हैं कि ये सब मुसलमान हो मुसलमान हो और वो हैं कि बस ज़िद और हट धर्मी पर अड़े हुए हैं हक्कानियत यानी हक आ गया लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं और कितनी यानी हट धर्मी है ना यानी अहले किताब तो बिल्कुल खुली हट धर्मी कर रहे थे इसलिए कि उनकी किताबों में था फिर भी छुपा रहे हैं किताबों में लिखा हुआ है फिर भी छुपा रहे हैं समझ गए कि हाँ यही है फिर भी छुपा रहे हैं लेकिन ये कुफ़ार जो्मी हैं इन्होंने तो मौजेसात देखे उन्होंने माझे साथ देखे कैसे भाई उन्होंने कहा भाई ऐसा है चलो ठीक है अगर तुम कहते हो न भी हो तो बताओ ये दरख्त को बुला कर दिखाओ अब सरकार फरमाते भाई दरख्त को बुलाने की बात तू जाकर बोल उसको दरख्त को कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं अब वो अब वो भी यानी खुश हो जाता मैं जाऊंगा बोलूंगा और वो आ जाने वाला ऐसा थोड़ी ना होता है और जाकर कहता तो वाकई दरख्त आ जाता झुकता झुककर फिर आप इशारा करते ठीक है जा तो वापस चला जाता है ना तो ये देखते हैं तो कुछ तो यानी थे अच्छे जो ईमान ले आए है ना और कुछ ऐसे थे कि चांद है ना एक दिन आ गए चांदनी रात थी और बड़ा मशहूर मुजजा है आ गए आकर का के आप नबी हो अच्छा ये यहाँ पहले प्लानिंग की है इन्होंने प्लानिंग की कि यार ये तो जादू लगता है कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा ये सब कुफार ही हैं आपस में बात कर रहे हैं लेकिन कैसी बात है देखें इनकी बातें कैसी है वो कह रहा है ये सब जादू है ए तुझे पता है ना जादू नहीं है ये जादू नहीं हो सकता यार ऐसा थोड़ी जादू होता है नहीं नहीं यार कुछ तो है ये नज़र हफ्ते को ना बस नज़रबंदी कर दी जाती है इसके लिए जादू है अच्छा चलो जादू है मान लिया जादू है तो जादू ज़मीन पर ही चलता ना आसमान पर तो नहीं चलता ना कहा नहीं, नहीं आसमान पर तो जादूगरों का जादू नहीं चल सकता तो चलो अपने उनसे कोई ऐसा मुजैसा मांगते जो आसमान में चले हाँ चलो मांगते <laughs> अब आए मीटिंग करके आए कि चलो हम ऐसा मुजैसा मांगेंगे कि जो आसमान आसमानी हो और आकर कहा कि आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ तो आप दावा करते हैं नबी हैं अल्लाह के नबी हैं बिल्कुल मैं अल्लाह के नबी और रसुलू ई ईमान लाते हो हम ईमान नहीं लाते पहले ये बताओ तुम नबी और रसूल ये कहते हो कहाँ कहता हूँ अच्छा तो ये चांद दिख रहा है दो टुकड़े करके बताओ सरकार ने कहा कौन सी बड़ी बात है आपने यूँ इशारा किया है <laughs> ऐसे इशारा कर दिया ऐसा नहीं कि ठीक है रुको मैं दरखात पढ़ लूँ दुआ कर लूँ नहीं सरकार ने अब दो टुकड़े करके बताओ सरकार ने ऐसी उंगली की इशारा किया हो जा दो टुकड़े वो दो टुकड़े हो गया है दो टुकड़े हो गया यूं ऐसे पहाड़ है चांद यहां है कहते हमने देखा एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ ये दो टुकड़े हो गए पहाड़ बीच में है दो टुकड़े हो गए कहते हमने देखा पहाड़ के एक तरफ एक टुकड़ा था एक तरफ दो टुकड़े या दूसरा टुकड़ा था दो टुकड़े हो गए फिर सरकार ने इशारा किया फिर जुड़ गए तो अब अब भी अब तो ये मान ले आते कि भाई जादूगर का जादू आसमान में नहीं चलता लेकिन क्या कहते हुए भागे हादसा सातरूल ये तो अरे मोहम्मद का जादू तो बादलों में भी चल गया मोहम्मद का जादू तो बादलों में भी चल गया मह आसमानों में भी चल गया ये कहते हुए मुंह फेर कर भाग गए ये यानी हादिस में सारी बात है तो कहने की बात यह कि इनकी इतनी हड़धर्मी इतनी खुली हुई है कि मुजहसात देख कर भी ईमान नहीं लाए तो रब फरमाता है कि आप इन पढ़े लिखे यहूदियों नसारानियों से भी कह दो और अनपढ़ कुफ़ारोम शर्कन से भी फरमा दो कि क्या तुम ईमान लाए अगर ईमान लाए तो हिदायत पा गए वहीन तवल लो अगर इन्होंने मुँह फिरा वह इन न मार्डिकल तो आप पर तो सिर्फ पहुँचाना है आप गम ना करें आप टेंशन न लें आपका काम सिर्फ पहुँचा देना अब यहाँ एक बात आजकल के कुछ लोगों के लिए फ़ही नबा अड़े बराग आप पर तो सिर्फ पहुँचाना है तो कुछ लोग क्या समझते हैं हुजूर का कोई काम नहीं था कोई इतना है ऐसा कुछ भी नहीं उनका काम इतना था उनमें और हम में सिर्फ इतना फ़र्क कि वो हम तक पैगाम पहुँचाने आए थे पैगाम पहुँचा दिया बात ख़त्म जैसे पोस्टमैन होता है वैसे वो थे बस उतना उससे ज़्यादा कुछ नहीं हालाँकि इतना नहीं है वो सिर्फ़ मुबलग नहीं थे वो रमत आलमीन भी थे वो वह शफीमदनबीन भी हैं और वो रमत आलमिन भी हैं अल्लाह ने वमा और रमत आलमिन फरमाया बशीर नज़ीर फरमाया तो और भी बहुत सी खसूसियात व नम आलिकल बलाग आप पर सिर्फ पहुँचाना ही है मतलब यह है ए महबूब हिदायत पहुँचा दीजिए हिदायत देना न देना मेरा काम है देना न देना ये मेरा काम है मैं जिससे चाहूँगा हिदायत दे दूंगा जिससे चाहूँगा नहीं दूँगा और फिर हिदायत उसे दी जाती है कि जो लेने आए जो लेने आए जो चाहता ही ना हो उसे जबरदस्ती हिदायत नहीं दी जाती कोई यह सवाल क्वेश्चन नहीं कर सकता अच्छा अल्लाह के कंट्रोल में हिदायत अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे जिसे चाहे ना दे तो अल्लाह सबको क्यों नहीं दे देता तो अल्लाह कुरान ही में जवाब देता अगर मैं चाहूं तो मैं सबको मुसलमान कर दू मैं चाहूं तो सबको ईमान दे दू लेकिन मैं ये नहीं चाहता मजबूरी वाला ईमान मैं नहीं मजबूरी वाला नहीं यानी जैसे अल्लाह ने हमें पैदा किया हम जो है ना वो बाई चॉइस पैदा नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट पैदा होते हैं हाँ बाय चॉइस नहीं ये नहीं कि मुझे चूँकि मौलाना नज़ीर के घर पैदा होना था इसलिए मैं इनके यहाँ पैदा हुआ हाँ इनको किसी और के यहाँ पैदा होना इसलिए वो हाँ पैदा हुए नहीं आपके पास चॉइस नहीं है आप बेख्तियार हो इस मामले में आप चॉइस से सांस लेते हो और चॉइस से आप जो है अपनी धड़कन धड़काते हो नहीं आप मजबूर हो आप ना चाहो तब भी धड़क रही है आप ना चाहो तब भी साँसें चल रही है आप ना चाहो तब भी आपकी बॉडी जो है ना वो डेवलप हो रही है आप बड़े हो रहे हैं आप नहीं चाहते अभी हमारे बच्चे हैं नहीं चाहते अब हम छोटे रहें वो बहुत अच्छा बड़े क्यों हो रहे हैं लेकिन फिर भी बड़े तो होना ही है इसलिए कि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसी तरह अगर, अगर अल्लाह चाह ले अगर अल्लाह चाहे तो सबको मजबूरी में ईमान दे दे सबके दिल में डाल दे मोमिन सब कलमा पढ़ कर मुसलमान हो जाए लेकिन फरमाता माता ऐसी मजबूरी वाला ज़बरदस्ती वाला ईमान मुझे नहीं चाहिए मैं तो चाहता हूँ कि तुम बाई ऑप्शन बाई चॉइस, तुम जो है ना ईमान कबूल करो पसंद करो मेरा मेरा दिन पसंद करो ये मैं चाहता हूँ हाँ तो अल्लाह तबारको तारा जो ना वो <coughs> मजबूर नहीं करता <coughs> रब फरमाता है कि आप पर तो बस पहुँचा देना है फिर हिदायत अगर वो हिदायत लेने आया तो मैं दे दूँगा नहीं आया मुंह फेर कर चला गया तो मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं है जाने दो तो ए महबूब आप पर तो सिर्फ पहुँचा देना है वल्लुबसर बिलबाद अल्लाह बंदों को देखता है अल्लाह बंदों को देखता है जो हिदायत लेगा अल्लाह उसे जन्नत देगा जो आमाल करेगा अल्लाह उसे सवाब वाबता फ़रमाएगा जो हिदायत कबूल नहीं करेगा ईमान नहीं लाएगा अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा जो गुनाह करेगा आमाल नहीं करेगा अमाल सलहा अल्लाह उसे अजाब देगा अल्लाह हर एक को देखता वह शुरु बहबाज़ महबूब आपका रब आपका ला सारे बंदों को देख रहा है कौन हिदायत कबूल करता है कौन नहीं करता किस दिल में क्या है कौन आपके बारे में क्या कहता है अल्लाह सब जानता है अल्लाह सब को देखता है अल्लाह हुसी के हिसाब से फैसला फरमाएगा महबूब आप गम न करें वखुर असल वरह वक्